अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। मार्केटिंग से रिलेटेड है कि हमें किस टाइम पर अपनी एडवर्टाइजमेंट को करना चाहिए, ये तो मैं आज आपको बताऊंगा ही। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि मैं ये जानना चाह रहा था कि जो मैंने अपनी पहली वीडियोस कंटेंट डाल चुका हूँ या वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, तो आपको मुझे ये भी बताएं कि आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो रही है या नहीं हो रही, और आपको वो कंटेंट कैसा लग रहा है। अब मेरे पास बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, अपवर्क, फाइवर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की, या कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो लाजमी बना के दूंगा। तो चलाइए आज फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जो हमारा मेन टॉपिक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि फ्रीलांसिंग हम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में हमारी सर्विसेज वगैरह होती हैं, हम सर्विसेज दे रहे होते हैं, और जो हम अपनी फिजिकली बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई अपनी सेल्स प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे होते हैं, जैसे लाइक ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल आउट कर रहे होते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट कब करनी है, वो कौन सा प्रॉपर और परफेक्ट टाइम होगा कि जिसका हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिले, जिसका हमें रिजल्ट में आउटपुट बहुत मिल जाए। वो बेस्ट और परफेक्ट टाइम वो वही है जब आप अपना सारा कंटेंट जो है वो डाल चुके हों। लाइक आपका एक हम ऐसे बात करते हैं कि हमारा एक फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज के ऊपर आप अगर ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने अपनी लाइक ज्वेलरी है या बेबी प्रोडक्ट्स है या किसी भी शर्ट्स हैं, क्लोथ्स का बिजनेस है, आपने अगर अपनी सारी चीज़ें प्रोडक्ट को अपलोड कर दिया हुआ है, और फ्रीलांसिंग की तरफ आए तो आपने अपना सारा जो काम किया हुआ था पोर्टफोलियो को अपलोड कर दिया हुआ है, तो उस टाइम पर आपने जाके अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट करवानी है। इससे होगा ये कि जब आपके पास कोई कस्टमर आएगा, कोई क्लाइंट आएगा, तो आपको ऑलरेडी सारा प्रोडक्ट, सारा कंटेंट, सारी सर्विसेज जो होंगी वो डिस्प्ले होंगी ऑलरेडी। तो उस जब क्लाइंट आएगा वो कुछ ना कुछ देखेगा, उसको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाए, उसको पसंद आएगा जो अट्रैक्ट करेगा, तो उससे आपकी सेल भी जनरेट होगी। और अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि हमने अभी काम शुरू किया है, ये थोड़ा सा हमने काम करके ये थोड़ी सी सर्विसेज शो ऑफ कर दी हैं, और हमने कहा चलो जी ग्रोथ मिल जाएगी, हमें एकदम जल्दी मार्केट में आए, जल्दी ग्रो कर देंगे, और हम ये सोच के अगर पेड एडवर्टाइजमेंट करवा लेंगे, करवा तो हम लेंगे, लेकिन जब ये होगा, जब क्लाइंट आएगा ना, वो देखेगा, हमारा कोई कंटेंट ही नहीं होगा उसके ऊपर, वो यानी कि खाली होगा हमारा पेज, उस पर क्लाइंट को ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी नहीं, हो सकता है जितनी हमने जो चीज़ें डाली हैं वो उसमें से उसको ना पसंद आए, क्योंकि हमारा इनफ नहीं होगा प्रोडक्ट भी नहीं होगा या सर्विसेज नहीं होंगी। तो हमें चाहिए ये कि हम जो है ओवरऑल पहले अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करें, अपने सर्विसेज को डिस्प्ले करें, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें, उसके बाद पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएं। जब आप डिस्प्ले कर लें तो पेड एडवर्टाइजमेंट करवाएं, तो क्लाइंट को यकीनन कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर अट्रैक्ट कर जाएगी। अगर आप एक जगह 5 प्रोडक्ट डाल दें और एक जगह 100 प्रोडक्ट हो, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 100 में से कुछ ना कुछ उसे पसंद आ जाए। लेकिन ये अगर आप दूसरी तरफ 5 प्रोडक्ट लगा के एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो हो सकता है उसको 5 के 5 ही ना पसंद आए, पॉसिबल है कि उन 5 में से भी एक पसंद आ जाए, लेकिन आपके चांसेस तब बढ़ जाएंगे अगर आपका टोटल कंटेंट उसके ऊपर डल चुका हुआ हो, फिर आप एडवर्टाइजमेंट करवाएं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, यही एक परफेक्ट टाइम है जब आप अपना कंटेंट डाल चुके हैं, तो आप तभी उसी टाइम में अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट को करवाएं। तो मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।